एसबीआई और एलआईसी के द्वारा अडानी समूह में किए गए जोखिम भरे निवेश के विरोध में जिला कांग्रेस स्थानीय स्टेट बैंक के सामने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। स्टेट बैंक हरदा के सामने कांग्रेसियों द्वारा प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस के जिला प्रभारी अजय ओझा ने बताया कि मोदी सरकार अपने लोगों को बढ़ावा दे रही है और गरीब जनता को लूट रही है। गरीब परिवार के लोग अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को उन्हें जहाँ विश्वास होता है, एलआईसी हो या स्टेट बैंक हो, उसमें जमा करता है। केंद्र सरकार ने एलआईसी को मजबूर कर दिया। अडानी के शेयर खरीदने के लिए सागर अडानी डूबता है तो एलआईसी भी डूब जाएगी और गरीब वर्ग के लोगों ने जो निवेश किया है सभी मुसीबत में आ जाएंगे। केंद्र सरकार ने अडानी को करोड़ों रुपए का लोन दिया है। जिस दिन अडानी का जहाज डूब जाएगा उस दिन देश की करोड़ों जनता, करीब 45 करोड़ उपभोक्ता परेशानी में आ जाएंगे और हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर मांग नहीं मानी गई तो आगे भी और भी आंदोलन करेंगे। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। आज बैंक के सामने कांग्रेस के लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार अपने लोगों को उपकृत करने के लिए इस हद तक नीचे गिर जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार अपना तन मन अपने बच्चों का पेट काट के जो भी उसकी बचत होती है वो अपने भरोसे की, जहाँ उसको भरोसा होता है, जैसे LIC हो गई, SBI हो गया, इसमें अपना निवेश करता है। वो बड़ी ख़राब स्थिति है देखने में आ रही है कि अपने लोगों को उपकृत करने के चक्कर में ये सरकार ने LIC को मजबूर कर दिया शेयर खरीदने के लिए अडानी के। आज यदि अडानी डूबता है तो LIC डूब जाएगी। जो मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपना तन मन काट के, पेट काट के जो पैसा जमा किया है वो सारे मुसीबत में आ जाएंगे। ये दुर्भाग्य है। ऐसा ही SBI का है। SBI से हजारों करोड़ का, वित्त मंत्री कहती हैं कि बहुत आंशिक ऋण दिया गया है, हजारों करोड़ अडानी का, कोई 10-5-20-50 लाख 100 करोड़ से पेट भरता है क्या? हजारों करोड़ रुपए का ऋण उसको दिया गया है। जिस दिन अडानी का जहाज डूबेगा उस दिन देश के SBI के जितने खाताधारक हैं, तकरीबन 45 करोड़ खाताधारक हैं, वो सारे मुसीबत में आ जाएंगे। हम ये होने नहीं देंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने निर्णय किया है कि आज 6 तारीख को सभी जिलों में, हिंदुस्तान भर में, हम ये इस तरीके का एजिटेशन कर रहे हैं। और अभी यदि इन्होंने हमारी ये बात को नहीं माना, नहीं सुना, तो आगे और इससे बड़े आंदोलन खड़े किए जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।